ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहे। सो जुलाई इनटेक काफी पेनफुल, दर्द भरा रहा स्टूडेंट्स के लिए और बहुत सारा स्टूडेंट परेशान हुआ। अब अक्टूबर नवंबर इनटेक में भी बच्चों को ये उम्मीदें हैं कि शायद चीज़ें एकदम से ठीक हो जाएंगी, बट मैं बता दूं जो चीज़ें बिगड़ी हैं वो एकदम में ठीक नहीं होंगी, इनको ठीक होते होते अभी अगला साल आ सकता है। सो आई एडवाइस जो बच्चे अक्टूबर और नवंबर में एप्लीकेशन अपनी चला रहे हैं वो अपने GTE के डॉक्यूमेंट्स जितनी जल्दी हो सकता है यूनिवर्सिटीज को पहुंचाएं और जितनी जल्दी हो सकता है वो डॉक्यूमेंट्स पूरे करें अपने कंसल्टेंट्स के साथ मिलके, क्योंकि यहां पर भी जो GTE को टाइम लगेगा वो लंबा ही लगेगा। सो 3 से 4 महीने अभी भी लग सकते हैं। जिन यूनिवर्सिटीज ने इंडिया पे बैन लगाया था उन्होंने अभी भी बैन सिर्फ कुछ स्टेट्स में से हटाया है, लेकिन पंजाब, हरियाणा, गुजरात इन स्टेट्स पे अभी भी यूनिवर्सिटीज का बैन कंटिन्यू है। सो अभी बहुत सारा रिलैक्सेशन कोई भी देखने को नहीं मिलेगा इस समय अगर हम बात करें, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में अब एप्लीकेशंस जानी एकदम से कम हो चुकी हैं काफी, और ज्यादातर जो अब एप्लीकेशन हैं वो कॉलेजेस में जा रही हैं, और जो कॉलेजेस में जा रही हैं एप्लीकेशन उनमें से जो जा रही हैं अपने बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स में या मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम में, वो जो एप्लीकेशन हैं वो पॉजिटिव रिजल्ट देख रही हैं। और कॉलेजेस के अंदर ये ट्रबल अब नहीं देखने को मिल रही कि GTE क्लियर होगा या कॉम्प्लिकेटेड होगा या टाइम लगेगा, वो मुश्किल उस स्टेज पे उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी लेवल्स के ऊपर है। सो कॉलेज में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, 70-80% का सक्सेस रेट वहां पर भी मिल रहा है बच्चों को। लेकिन ध्यान सिर्फ आपको ये रखना है कि आप सिर्फ डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें, D2D प्रोग्राम डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री में भी ना करें और सिर्फ डिप्लोमा में भी ना करें, ओनली डिग्री, डायरेक्ट बैचलर्स और डायरेक्ट मास्टर्स प्रोग्राम। इस चैनल के साथ जुड़े रहें फॉर एवरी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट। ब्रॉडवे के साथ अपनी एप्लीकेशन चला सकते हैं और पैसे दे सकते हैं वीजा लगने के बाद। जहां पर यूके के लगातार वीजा आपको मार्केट में दिख रहे हैं, उसके अलावा एक और चेंज देखने को मिल रहा है कि कुछ यूनिवर्सिटीज जो बंद हो चुकी थी वो दोबारा रीओपन हो गई हैं। वो दोबारा उन्होंने कुछ कोर्सेज जो उनके पूरी तरह फिल नहीं हुए उनको लेके वो दोबारा ओपन हो चुकी हैं। तो जो बच्चे अभी भी सितंबर इनटेक अप्लाई करने की सोच रहे हैं या वो ये सोच के बैठ गए थे कि वो सितंबर इनटेक मिस हो जाएगा, तो अब वो आपका इनटेक मिस नहीं हो सकता। इसमें तकरीबन 3 से 4 यूनिवर्सिटीज हैं जो प्रेजेंटली दोबारा से स्टूडेंट्स को लेना शुरू कर चुकी हैं। तो नाम नोट कर लें, और अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया तो डू नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी और इमीडिएटली अप्लाई कर लें। इसमें डेफिनेटली ऐसी यूनिवर्सिटीज भी हैं जो स्पाउस एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेंगी, ऐसी यूनिवर्सिटीज भी हैं जो 10-10 साल का गैप एक्सेप्ट करेंगी, और फीस वाइज भी काफी नॉमिनल रहेंगी, मतलब 6 महीने की फीस देके भी आप जा सकोगे। तो सबसे पहले है जी कोवेंट्री यूनिवर्सिटी, ये +2 और ग्रेजुएशन दोनों वालों स्टूडेंट्स के लिए ओपन है, मतलब जो डिग्री करने जाना चाहते हैं और जो मास्टर्स करने जाना चाहते हैं स्पाउस के साथ, दोनों तरह के स्टूडेंट्स यहाँ पे जा सकते हैं। और यहाँ पर +2 वालों का गैप भी 2020 तक एक्सेप्ट हो जाता है, और इंग्लिश की रिक्वायरमेंट जो है यहाँ पर तकरीबन 65 स्कोर की है CBSE वालों की, जो नॉर्मली अदर यूनिवर्सिटीज में 70 रहती है। इसी तरह से लिंकन यूनिवर्सिटी ने तकरीबन अपने 15 मास्टर्स प्रोग्राम दोबारा ओपन कर दिए हैं। यूक्लेन यूनिवर्सिटी वन ऑफ द मोस्ट बढ़िया यूनिवर्सिटी है, हमारी प्रेफर लिस्ट में रहती है, भर गई थी ये यूनिवर्सिटी, लेकिन इन्होंने भी तकरीबन 8 से 7 मास्टर्स प्रोग्राम को दोबारा रीओपन कर दिया और एप्लीकेशंस की डिमांड की है। इसी तरह से रिग्जाम यूनिवर्सिटी भी दोबारा ओपन हो चुकी है। सो ऐसे ये ऑप्शंस आपके पास दोबारा से आ चुकी हैं, जो बच्चे अपनी उम्मीद गवा चुके थे वो इनमें जा सकते हैं, विद आइल्स विदाउट आइल्स दोनों तरीके से यहाँ पे पॉसिबल है। सो इमीडिएटली ब्रॉडवे टीम को मिलें, चाहे आप पंजाब से हैं, हरियाणा से, गुजरात से, न्यू दिल्ली से, कहीं से भी, आप जम्मू से हमारे साथ अप्लाई कर सकते हैं। और ब्रॉडवे के साथ अप्लाई करने का बेनिफिट रहता है कि आप सारे पैसे देते हो वीजा लगने के बाद। और एक चीज और इंपॉर्टेंट कि मैं अगले कुछ दिन गुजरात में रहूंगा, सो जो दोस्त हमारे गुजरात ऑफिस के हैं, अहमदाबाद के हैं, आनंद के हैं, वडोदरा में हैं, सो मैं 19, 20 और 21 ये 3 दिन गुजरात में हूँ। सो जो दोस्त अपॉइंटमेंट्स बनाना चाहते हैं वो इमीडिएटली टीम से कॉन्टेक्ट कर लें। आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट शेयर होते रहेंगे, बट यूके को लेके अपनी एप्लीकेशन को बिल्कुल डिले ना करें, और जो Tier 2 हेल्थ केयर वीजा चाहते हैं वो कैंडिडेट भी ब्रॉडवे टीम को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान।